गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम ज्योमेट्री का डेली एक आईक्यूएम स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा है। इनफेक्ट आईक्यूएम में वो 3 मार्क्स के अराउंड बनना चाहिए। उसके भी हम दो अलग अलग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर यार आपने लास्ट ईयर आईक्यूएम का सर्टिफिकेट लिया था, या इफ यू हैव क्लियर आईयूक्यूएम, दैट इज इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर इनमो, अगर या फिर आप प्रीवियस ईयर्स में कभी भी प्री आरएमओ या आरएमओ आपने क्लियर किए हुए या अपीयर हुए हो, देन यू शुड मेल मी योर दीज क्रीडेंशियल जल्दी से ऑन दिस ईमेल आईडी chetan.garg@vedanto.com। हम आपको एक सेपरेट बैच में एनरोल करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहता है कि बच्चों को इस बार इनमो क्लियर करवाया जाए, राइट। एंड इफ यू विश टू अपीयर फॉर एनी अदर ओलंपियाड एग्जाम, देन यू शुड फिल अप दिस गूगल फॉर्म bdnt.in/usmaths2, राइट। चलो तो लेट्स लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये आज का क्वेश्चन था, ठीक है। एंड अगर आपने ये ट्राई नहीं किया, प्लीज पॉज द वीडियो, एक जेन्युइन सा ट्राई दो, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है। पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कुछ कुछ एंगल्स हमें गिवन है। ये 75 है, एंगल क्यू 60 है, एंगल आर 135 डिग्री है, एंगल एस गिवन नहीं है, बट वो ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 90, राइट, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। फर्दर एम इज द मिड पॉइंट, बिकॉज आर एम एंड एम क्यू बोथ आर गिवन टू बी 1, राइट। एंड पी क्यू इज गिवन टू बी 2, दैट मीन्स पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड सिंस दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो दैट विल बी बेसिकली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। दो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे हम इसके। सबसे पहले तो एंगल पी एस आर दैट शुड बी 90 डिग्री, ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। लेट्स ज्वाइन पी आर, पी आर को अपन ने ज्वाइन किया। क्लियरली ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्यों? रीजन बड़ा ऑब्वियस है। क्वेश्चन में हमें गिवन था पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, और ये जो वर्टिकल एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दैट मीन्स पी आर इज सिंपली 2, ठीक है, पी आर 2 होगा। तो कहना ही से जो एस आर बनेगा, अच्छा दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री इक्विलेटरल होने की वजह से, तो ये जो बचा एंगल दैट इज 75 डिग्री। तो एस आर को आई कैन से एस आर विल बी 2 cos 75 डिग्री, बिकॉज इन ट्राइंगल ट्राइंगल आप पी एस आर कंसिडर कर सकते हो, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें एंगल ये वाला एंगल 75 डिग्री है, तो पी आर कॉस 75 दैट विल बी एस आर, ठीक है। सिंपल ये वाला क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं, फिर एक प्योर ज्योमेट्री का सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एस आर कम्स आउट टू बी 2 cos 75, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 cos 75। अच्छा आर एम इज गिवन टू बी 1, बिकॉज मिड पॉइंट भी था। अब हमें एस एम निकालना है, तो अप्लाइंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में अप्लाई कर रहा हूँ कौन से ट्राइंगल में, एस आर एम में, बिकॉज ये एंगल मुझे 135 पता है ना, तो कोस 135 डिग्री दैट शुड बी इक्वल टू एस आर स्क्वेयर विच इज 4 cos² 75 प्लस 1 स्क्वेयर माइनस एस एम स्क्वेयर, जो हमें फाइंड आउट करना है, होल अपॉन ट्वाइस ऑफ एस आर विच इज 2 cos 75 मल्टीप्लाइड बाई आर एम विच इज 1, ठीक है। तो लेट्स लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग, वट वी विल गेट ट्वाइस ऑफ 2 cos 75 cos 135 दैट इज इक्वल टू 4 cos² 75, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 cos² थीटा, एंड आई एम वेरी श्योर 2 cos² थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा, दैट इज 1 plus cos 2 थीटा, ठीक है। तो दैट विल बिकम 1 plus cos 2 थीटा, मतलब 75 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 150 डिग्री। वट एल्स वी हैव, प्लस 1 माइनस एस एम स्क्वेयर, एस एम स्क्वेयर दैट इज वट वी नीड टू फाइंड एस एम, राइट। अब यहां पर हम फर्दर वी कैन अप्लाई 2 cos a cos b, तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 2 cos a cos b इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो दैट इज कॉस ऑफ 75 प्लस 135 दैट इज कॉस 210, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी विल बी हाउ मच, 135 माइनस 75 दैट इज नथिंग बट कॉस 60, राइट। तो दिस इज 2 plus 1 3 plus 2 cos 150 माइनस एस एम स्क्वेयर, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर आप जिन बच्चों ने 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है,
उनको पता होगा cos 180 माइनस थीटा इज सेम एज cosine ऑफ 180 प्लस थीटा. तो दीज टू ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 210 एंड ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 150 दे आर सेम थिंग्स, तो दे विल गेट कैंसल्ड आउट. cos 60 इज हाफ, 2 इनटू हाफ इज 1 इक्वल्स टू 3 माइनस sm स्क्वायर. तो वी कैन से sm स्क्वायर इज नथिंग बट 2, दैट मींस sm इज अंडर रूट 2. ठीक है, तो ये जो रेड लाइन हमें फाइंड आउट करना था sm, दैट इज अंडर रूट 2. ये क्वेश्चन हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से किए. ठीक है, इसमें ज्योमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट, कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं लगा है अपार्ट फ्रॉम एंगल चेजिंग, है ना. एक और सॉल्यूशन देखते हैं जिसमें हल्की सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ खास नहीं, और उसको हम प्योर ज्योमेट्री से करते हैं. ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. इसमें हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया. देखो, एम वॉज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू. ठीक है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज टी. तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ एम टी पैरेलल टू पी क्यू. ठीक है, एम टी हमने पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ किया. अच्छा, जैसे हमने लास्ट मेथड में भी बता दिया था, दिस एंगल विल बी इतना सा एंगल है ना, दिस विल बी 60 डिग्री. तो दिस शुड बी हाउ मच, 15 डिग्री, राइट. दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री, पैरेलल ड्रॉ किया तो दिस शुड बी 60. दिस इज नथिंग बट हाउ मच, 75. ठीक है, एंड दैट एंटायर एंगल वॉज 90. ये हमने लास्ट में भी डिस्कस कर लिया था, लास्ट सोल्यूशन में, है ना. ये एंगल 90 क्यों, बिकॉज एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल इज 360, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल. ठीक है, अब ध्यान से देखो, एम टी हमने पैरेलल ड्रॉ किया एंड एम वॉज द मिड पॉइंट. तो वी कैन क्लेम कि भैया टी इज मिड पॉइंट ऑफ ऑफ क्या, पी आर. टी पी आर का मिड पॉइंट होगा एंड दैट मीन्स टी मस्ट बी सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल, कौन से वाले का, पी एस आर का, बिकॉज पी एस आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका पी आर हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट इज सर्कमसेंटर. दैट विल सिंपली इंप्लाई क्या, कि भाई ये जो आपका एस टी होगा दैट इज इक्वल टू टी आर, दैट इज इक्वल टू टी पी, एंड टी आर इज नथिंग बट टी आर इज इक्वल टू आर एम, बिकॉज ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था एंड आर एम वॉज 1. ठीक है, तो ये सारी कहानियां हमारी 1 होगी, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सारी चीजें 1 हो गई. अब ध्यान से देखो, अब सिंस टी आर इज इक्वल टू दिस थिंग एस टी विच इज 1, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, ये जो एस टी आर है ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा. अब सिंस दिस एंगल इज 75, तो आई कैन से एंगल टी एस आर भी 75 होगा. टी एस आर 75 होने का मतलब है मैं एंगल एस टी आर बता सकता हूं आपको, इतना सा 75, ये भी 75, 150, तो दिस मस्ट बी 30. तो एस टी आर इज 30. एस टी आर 30 होने का मतलब है एंगल एस टी एम कितना हो गया, दैट इज 90, 60 प्लस 30, क्लियरली दिस इज 90. अब एंगल एस टी एम 90 है जिसमें एस टी साइड 1 है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया. अच्छा, ये पैरेलल भी था, ठीक है, मिड पॉइंट से ज्वाइन किया था, तो टी एम इज नथिंग बट हाफ ऑफ पी आर, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता ही है, हाफ ऑफ पी क्यू, सॉरी. ठीक है, तो टी एम इज ऑल्सो 1. तो भाई ये जो एस टी एम है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इक्वल साइड्स हैं 1, 1, तो सिंपल सी बात, एस एम शुड बी अंडर रूट 2. ठीक है, बड़ा सिंपल सा ये ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन था. तो इस क्वेश्चन के भी अपन ने 2 सॉल्यूशन डिस्कस किए, एक ज्योमेट्रिकल जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, और एक प्योर ट्रिग्नोमेट्रिकल जिसमें हमने कोसाइन रूल लगाया. ठीक है, तो बोथ दिस सॉल्यूशंस आर ओके, है ना. एंड IUQM में आई विल रीड दिस क्वेश्चन एज 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनना चाहिए. 2 मार्क्स में आता है तो थोड़ा सा लेंथी काउंट होगा, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनना चाहिए, राइट. तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन यार. फिर मिलते हैं एक बार फिर से ज्योमेट्री जेम सीरीज में, है ना, जिसमें हम एक नया, एक डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड एक डिफरेंट ज्योमेट्री जेम डिस्कस करेंगे. सो सी यू टुमारो, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू, बाय बाय.